Hello everyone, this is Deepika and welcome back in free basic education. So guys, we were talking about nouns और हमने पहले के वीडियोस में देखा कि nouns क्या होता है और noun का types क्या क्या होते हैं. उसके अलावा हमने देखा था last वीडियो में कि noun के genders में जब हम इसे divide करते हैं तो कौन कौन से होते हैं. So आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि noun में countable और uncountable noun होता है तो उसे किस तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है काउंटेबल नाउन और क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन. बेसिकली काउंटेबल की यदि हम बात करते हैं तो जैसे कि काउंट से हमें पता चल रहा है कि इसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल की बात करें तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे चीजों को हम अनकाउंट मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो हो जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन. अब नाउन तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका भी नाम होता है, जिस भी एवरीथिंग जिसका भी नाम होता है वो नाउन्स होते हैं. तो अब यहां बात आती है कि कौन से होते हैं काउंटेबल नाउन और कौन से होते हैं अनकाउंटेबल नाउन. जब बच्चा ये स्टडी करता है तो उसे किस तरह से वो अंडरस्टैंड करेगा इस चीज को कि क्या काउंटेबल है और क्या अनकाउंटेबल है, इसको हम आगे देखते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ. जैसा कि यहां दिया हुआ है, लेट अस रीड दीज लाइन्स. जैसा कि कुछ लाइन्स यहां हैं जिसमें लिखा हुआ है फोर बॉयज आर प्लेइंग कैरम. जैसा कि देख रहे हैं आप, बच्चे जो हैं कैरम खेल रहे हैं जिसमें फोर बॉयज हैं जो कि कैरम खेल रहे हैं. टू गर्ल्स आर वॉचिंग द गेम. टू गर्ल्स साइड में स्टैंड हैं और वो गेम देख रही हैं. टू किटन्स आर प्लेइंग विथ अ बॉल ऑफ अ वुल. वुल की जो बॉल है उससे टू किटन्स जो हैं वो खेल रही हैं. तो यहाँ जो रेड आपको शो हो रहा है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कैरम है और गेम है. तो फोर बॉयज हैं, टू गर्ल्स हैं और टू किटन्स हैं. तो ये सब हम काउंट कर सकते हैं इनको. तो ये दीज आर अ काउंटेबल नाउन्स. जैसा कि आगे यहाँ दिया हुआ है, द वर्ड्स इन अ रेड इन द सेंटेंस अबाउ आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. We cannot count them in a number such as a four boys. Sorry, we can count them in a number such as a four boys, two girls and two kittens. Such nouns are called countable noun. जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिनको भी आप count कर सकते हैं वो countable noun हो गए, और जो count नहीं किए जा सकते वो uncountable noun हो गए. So very easy to understand. अब काउंटेबल थिंग्स तो ऑलमोस्ट समझ में आ जाती है कि कौन कौन सी होती है, जिसके आगे भी नंबर्स हो, क्वांटिटी हो उसकी, तो वो काउंट की जा सकती हैं. जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, काउंटेबल नाउन्स आर नेम ऑफ थिंग्स दैट्स कैन बी काउंटेड. फॉर एग्जांपल, बॉयज है गर्ल्स, टेबल, चेयर, एप्पल, एरोप्लेन्स, एलिफेंट्स, ट्रीज. ये सारा हमने जब नाउन करा था तो मैंने आपको दैट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो उसका भी नाम होता है वो नाउन होता है, और यहाँ काउंटेबल नाउन के बारे में बात की जा रही है. तो ये जो भी चीजें हैं काउंट की जा सकती हैं, तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है. यहाँ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं काउंटेबल नाउन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए. जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, देयर आर 15 ऑरेंज इन द बास्केट, फोर कैट्स आर सिटिंग ऑन द वॉल, फाइव बॉयज आर प्लेइंग इन अ पार्क इन द पार्क एंड देयर आर टू बिस्किट्स ऑन द टेबल एंड माई सिस्टर्स ब्रॉट थ्री ड्रेसेस. तो ये कुछ काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं. यहाँ पर कुछ दा का यूज किया गया है. दा बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल होता है, और आर्टिकल जब मैं करवाऊंगी तो मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगी कि ए एंड दा का यूज किस किस जगह कहाँ किस तरह से किया जाता है. अब आगे हम इसको बेसिकली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो भी चीजें काउंट की जाती हैं काउंट कर सकते हैं हम, वो बेसिकली काउंटेबल नाउन होते हैं. अब आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली क्या होता है. हमने यहाँ थर्ड लाइन देखी थी, टू किटन्स आर प्लेइंग विथ अ बॉल ऑफ वुल. अब वुल की यदि हम बात करें तो वुल को काउंट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वुल जो होती है वो लाइक अनकाउंटेबल होती है, क्योंकि वुल का आप एक पूरा रोल हो या कुछ हो तो उसे आप काउंट कर सकते हो, बट वुल को काउंट नहीं कर सकते. तो यहां पर ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल की यदि आप डेफिनेशन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ थिंग्स दैट्स कैन नॉट काउंट. जहां कैन काउंट आता है वहां हम इसको कैन नॉट काउंट कर देते हैं. काउंटेबल और अनकाउंटेबल में यही डिफरेंस है.
फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक मिल्क है, वाटर है, रेन है, शुगर है, टी है, टाइम है, स्टार्स भी होते हैं. तो ये दीज ऑल आर अनकाउंटेबल, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो. जो भी लिक्विड होता है, पेट्रोल होता है, उसे भी आप काउंट नहीं कर सकते हो. तो ये सब चीजें अनकाउंटेबल में आ जाती हैं. ये बच्चे को बेसिकली अंडरस्टैंड होना जरूरी होता है कि अनकाउंटेबल में ये सारी चीजें आ जाती है, जो भी वो काउंट नहीं कर सकता है. आगे जाकर यहां कुछ बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउंस डू नॉट हैव एनी नंबर और अ और एन बिफोर देम. अ और एन के बारे में जब मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि बेसिकली अ और एन जो होता है वो एक के लिए यूज होता है और कहाँ इसका यूज होता है. ये मैं और अच्छे से उस टॉपिक पे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी. बट यहां बेसिकली यहां बताया गया है कि काउंटेबल नाउन डू नॉट हैव एनी नंबर्स, उनका कोई नंबर नहीं होता और उनके आगे हे और एन का यूज नहीं होता. ओके. एंड नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स मे हैव द बिफोर देम. अनकाउंटेबल नाउन मे हैव द बिफोर देम. ठीक है. और आगे यहां दिया हुआ एग्जाम्पल्स है, रमेश आस्क मी फॉर सम वाटर. तो बेसिकली जो अनकाउंटेबल होते हैं तो उसमें लाइक सम यहां यूज कर लिया गया, या आप कह सकते हो कि कुछ इसी तरह के वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं क्वांटिटी से रिलेटेड. और मैं आपको इसमें आगे बताती हूँ कि क्या क्या आप इस यूज कर सकते हैं. जैसे कि रिया हैड सम मिल्क एंड क्रेटर्स फॉर ब्रेकफास्ट. आई ड्रिंक ऑल द वाटर इन द बोतल. मिनी डज नॉट लाइक शुगर इन हर फूड. तो ये वाटर है, शुगर है, वाटर मिल्क है, तो सम का यहाँ यूज हो रहा है. तो दीज ऑल आर बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स. यहाँ आगे कुछ एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में. लाइक जैसा कि मैं बता रही थी कि टू किटन्स आर प्लेइंग विथ बॉल ऑफ वुल, अ बॉल ऑफ वुल ना. तो टू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन वी एडेड वर्ड्स सच एज अ बॉल, बाउल ऑफ, अ बाउल ऑफ, सम, अ लॉट, अ लिटिल, मच, अ पीसेस ऑफ, अ बिट बिफोर देम. ठीक है. तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनसे बिफोर आप इनका यूज करते हैं. किन किन चीजों का आप कर सकते हैं? टू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन वी एड वर्ड्स सच एज अ बाउल ऑफ, सम, अ लॉट, अ लिटिल, मच, अ पीसेस ऑफ एंड अ बिट बिफोर देम. तो बेसिकली बात यही है कि अनकाउंटेबल जो कि काउंट नहीं किए जा सकते उनके साथ आप इनका यूज करते हुए आप उसे कर सकते हैं. आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है, और उनसे पहले आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं. तो आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस क्या होता है और काउंटेबल नाउन में क्या क्या आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आ सकता है. तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए. साथ ही यदि आपके कोई भी सुझाव हैं, सजेशंस हैं, या कोई भी आप मेरे से और नया कुछ वीडियोस रिक्वायर्ड है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं. आपके जो भी सजेशंस होते हैं मैं उस पर वर्क करूंगी. सो हैव अ ग्रेट डे. ओम शांति. बाय बाय. टेक केयर.